फंक्शंस ऑफ सेबी बेसिकली तीन हेडिंग्स बनाई हैं उन्होंने, उसके अंदर इनको कैटेगराइज्ड किया गया है. स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कि सेबी का काम क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको इन द सेंस इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना. अब वो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? सो फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है कंट्रोल ऑन प्राइस रिगिंग. प्राइस रिगिंग क्या होता है? जब कंपनीज आपस में ही मिलके एक प्राइस सेट कर लेती हैं, हाई प्राइस सेट कर लेती हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, मतलब गलत आप लोगों के साथ किया जाता है कि प्राइस अपने आप से फिक्स कर लिया और फिर ज्यादा पैसा तुम लोगों से ले लिया. पर अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग है, सब कुछ तो आपको न्यूज चैनल्स के ऊपर वहां पे दिख जाता है, पता चल जाता है पोर्टल के ऊपर कि अब तो इतना प्राइस हो गया, क्या अब आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं? नहीं. इसीलिए सेबी बनाया था ताकि प्राइस रिगिंग ना हो सके, जो ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी मर्जी से कोई प्राइस ज्यादा कम ना चार्ज कर सके. प्राइस रिगिंग इज सीरियस प्रैक्टिस विच हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. तो उनको लगेगा कि नहीं, मैंने तो महंगा ले लिया या कम ले लिया, ऐसा नहीं अब ऐसा हो सकता, क्योंकि उनको सब कुछ पता है क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा. सो प्राइस रिगिंग इज एन आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, प्लीज अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, जानबूझ के प्राइस जो है वो ज्यादा दिखाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट किया जाता है कि हमारी कंपनी के तो प्राइस बड़े ऊपर जाते हैं, हमारे शेयर्स खरीदो ताकि आपको प्रॉफिट हो. बट वो तो आर्टिफिशियल है ना, कल को तो गिर जाएंगे प्राइस, यानी कि आपको नुकसान हो जाएगा. सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं. द प्राइजेस आर देन ब्रॉट डाउन बाय स्प्रेडिंग सम र्यूमर्स अबाउट द कंपनी एंड कॉमन इन्वेस्टर्स सेल देयर शेयर्स एट लोअर प्राइस. ध्यान से इन दोनों लाइंस को समझना, मैं पहले एग्जांपल देती हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ. प्राइस लिगिंग मैंने क्या बताया, जब वो जानबूझ के प्राइस जो है हाई ऑफिशियल्स ज्यादा कम सेट कर देते हैं आप लोगों से प्रॉफिट कमाने के लिए, आप लोगों को पागल बनाने के लिए. जैसे नेस्ले कंपनी थी, नेस्ले कंपनी के भी शेयर्स लगते हैं अभी, वो कंपनी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं. अब जब उनको ना, पहले उन्होंने दिखाया कि मान लो, क्योंकि एग्जाम्पल दे रही हूँ ये लाइन समझाने के लिए, अब पहले उन्होंने दिखाया कि हमारी कंपनी के प्राइस तो 500, 600, 700 जा रहे हैं, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उनको लगा कि इस कंपनी के प्राइस तो बहुत बढ़ते हैं, आज 600 है कल 700 है, हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, सबने पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में. कल को र्यूमर, अफवाह फैला दी उन्होंने कि इस कंपनी के जो है प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर केस होने वाला है, जैसे उनके ऊपर हुआ भी था, कि ये तो अब बंद हो जाएगी कंपनी या लॉस में जाएगी, हमें लगेगा कि हमारी कंपनी तो डूब जाएगी, हम सब लोगों ने दोबारा से पैसा निकलवा लिया, फिर प्राइस क्या हो गया एकदम से डाउन. ये ऐसे करते हैं ताकि इनको प्रॉफिट हो सके. अब दोबारा से पढ़िए इस लाइन को, द प्राइजेस आर देन ब्रॉट डाउन बाय, अब एकदम से कहते प्राइजेस कम कर दिए जाएंगे, पहले बढ़ा दिए थे मैंने, अब जो है मैंने कम कर देने हैं, बाय स्प्रेडिंग सम र्यूमर्स अबाउट द कंपनी, तो ताकि कॉमन इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स जो है वो लोअर प्राइसेस के ऊपर ही बेच दें और उनको प्रॉफिट हो जाए. ठीक है जी. सो ये है प्राइस रिगिंग, जब आर्टिफिशियली कंपनी के प्राइजेस ज्यादा किए जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को जो भी है मैनिपुलेट करने के लिए. दिस टाइप ऑफ रिगिंग इज डन आइदर टू परचेज और सेल दी शेयर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड देन कॉमन इन्वेस्टर लॉस देयर मनी. अब ये काम किसके लिए, कौन करता है? स्पेकुलेटर्स, जो सट्टेबाजी करते हैं. अब उनको तो यही है ना, आज ज्यादा पैसा लगा दिया कल निकलवा लिया, इनके चक्कर में हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया है या 20 साल के लिए या 5 साल के लिए किया, हमें नुकसान हो जाता है इनके चक्कर में, क्योंकि एकदम से ये खरीद लेते हैं पैसा या शेयर्स खरीद लेते हैं या शेयर्स एकदम से बेच देते हैं, उसके चक्कर में हमें नुकसान या फायदा कुछ भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस है. ये क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज समझ में. नेक्स्ट इन्होंने बात करी है कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेडिंग. इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? जो अंदर खाते ट्रेडिंग हो रही है हमें तो पता ही नहीं चल रहा. अब कहते सब कुछ तो उन्होंने ओपन कर दिया है, प्राइजेस समय हमें सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है, कौन से पर्सन रजिस्टर्ड है, नहीं है, कौन सी कंपनी में है, एनएससी में है, हमें सब पता है. अब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सेबी की वजह से, ये सेबी का फंक्शन है कि वो कंट्रोल करता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्राइस को भी और इनसाइडर ट्रेडिंग को भी, क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन और वाइवा में तो 100% पूछा जा सकता है. सो व्हेन अ पर्सन इज एसोसिएटेड विद अ कंपनी नोज अबाउट दिस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स परफॉर्मेंस. ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई पर्सन कंपनी के साथ
मिला हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो काफी कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या जिसको मैं कहूँ कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे पता होगी. ठीक है. सो व्हेन अ पर्सन इज एसोसिएटेड विद अ कंपनी एंड नोज अबाउट दिस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स परफॉर्मेंस और डिसीजंस एंड देन ट्राई टू गेन आउट ऑफ इट बाय इंडल्जिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर फॉर हिज बेनिफिट इट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. यानी कि मैं कंपनी की प्रमोटर थी या मैं कंपनी का डायरेक्टर थी या मैं कंपनी में इंप्लॉय थी जिसकी वजह से मुझे कंपनी के काफी सीक्रेट पता थे कि कल को कंपनी के शेयर बढ़ेंगे या परसों को बढ़ेंगे, कोई डिसीजन लेने वाली है कंपनी, कंपनी प्रोजेक्ट लेने वाली है, मुझे सब पता था. उसके चक्कर में मुझे पहले ही पता था कि कल को कंपनी के ना शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. मैंने आज शेयर के प्राइसेस शेयर खरीद लिए ताकि कल जब शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊंगी. इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. जब अंदर खाते कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप प्रॉफिट कमाते हो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब कंपनी की सेंसिटिव और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप कोई भी गेन कर लेते हो, प्रॉफिट कमाते हो, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. आई होप आपको भी ये लाइन समझ में आ गई होगी. जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने यूज करी देन ट्राई टू गेन आउट ऑफ इट. इससे आप गेन लेने के लिए आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो बेनिफिट के लिए, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. फॉर एग्जाम्पल अब लिख दिया उन्होंने, आगे ध्यान से सुनिएगा. अ डायरेक्टर नोज दैट द कंपनी इज गोइंग टू अनाउंस बोनस. अब कंपनी को उनको पता है कि कंपनी बोनस शेयर्स देने वाली है इन नियर फ्यूचर. मुझे पहले पता था. बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस क्या होता है? जो तुम्हें रिटर्न में मिलता है, मतलब फ्री में दिवाली बोनस मिलता है, आपकी सर्विसेज रिवॉर्ड मिलता है. अब बोनस शेयर्स मिलने हैं तुम्हें, फ्री में मिलने वाले थे. एंड ही डिस्क्लोजेस दिस इन्फॉर्मेशन टू सम फैमिली मेंबर. क्योंकि मैं डायरेक्टर थी तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को आके घर बता दिया कि मेरी कंपनी तो बोनस शेयर इश्यू करने वाली है. देन मेक परचेजेस ऑफ दोस शेयर्स. तो आप लोगों ने शेयर्स जो थे वो खरीद लिए. व्हेन बोनस इज डिक्लेयर्ड then the new holder will get free shares in the form of bonus shares. अब देखो shares किनको मिलेंगे, जिनके पास already shares होंगे. अब कंपनी बोनस शेयर दे रही है तो तुम्हें आप देगी क्या? नहीं ना. अगर तुम्हारे पास पहले ही शेयर है तब तुम्हें और बोनस शेयर मिलेंगे. तो उन्होंने क्या, उनको पता था अगले महीने बोनस डिक्लेयर होने वाला है, उन्होंने आज शेयर्स ले लिए ताकि अगले महीने जब बोनस शेयर्स मिलेंगे तो उनको भी मिले. तो ये क्या था, गलत काम किया. आपको नहीं बताना चाहिए था, आपने बता दिया. सो आपने गेन किया, यानी कि आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आपको फायदा हो गया कि पहले 100 शेयर खरीदे थे, 100 शेयर और एज ए बोनस आपको मिल गए, 200 शेयर आपके पास हो गए. सो अब जो है सेबी इसके ऊपर क्लोज वॉच रखेगी, ध्यान से देखेगी कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, डिस्करेज करेगी सच प्रैक्टिसेस को. कंप्लीट. इन शॉर्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग अंदर की इन्फॉर्मेशन यूज करके आपने प्रॉफिट कमाया. एग्जाम्पल में लिखा है कि उसको पता था बोनस शेयर मिलने हैं तो उन्होंने पहले ही शेयर्स खरीद लिए ताकि और इनको बोनस शेयर अगले महीने मिल जाएं, क्योंकि बोनस शेयर उनको ही मिलते हैं जिनके पास पहले शेयर हों. तो ये गलत बात थी, आपने प्रॉफिट कमाया है. तो ये जो है इन चीजों के ऊपर चेक रखा जाएगा. नेक्स्ट वन, सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर. तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी लिख दो तो चलेगा. फिर वही बात कि आपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. सेबी इशू प्रेस नोट्स इन द पेपर्स एंड ब्रिंग आउट बुकलेट्स फॉर एडुकेटिंग इन्वेस्टर अबाउट वेरियस प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन स्टॉक एक्सचेंज. अब जैसे आप लोगों को, आपको भी तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये चीजें भी होती हैं, ये भी होता है, सेबी भी होता है, एनएससी भी होता है. अब ये चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, वो बुकलेट्स के थ्रू बताएं, वो पेपर्स के थ्रू बताएं, वो न्यूज चैनल्स के थ्रू बताएं, पर आप लोगों को बताया जा रहा है ना कि आपके साथ कोई भी मल प्रैक्टिसेस यानी कि फ्रॉड वगैरह ना हो सके. सो ये एक बेसिक फंक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोलूंगी कि ये सेबी का है. हमने सब कुछ रीड कर लिया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसको भी ध्यान में रखती है सेबी, सेबी ध्यान में रखता है. उसके बाद प्राइसेस ज्यादा कम नहीं होने चाहिए और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है और इन्फोर्स करने हैं कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? रूल्स. सो सेबी जो है वो रूल्स बताएगी टू बी फॉलोड इन द कैपिटल मार्केट. ठीक है, ताकि प्रॉपर बिजनेस चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस में किसी को भी फेस ना करनी पड़े, चाहे वो किसी भी के भी रिगार्डिंग है, चाहे वो इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग भी है. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेक्शन फंक्शन में यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन में जस्ट प्रोटेक्शन की बात है कि ना प्राइस ज्यादा ना कम,
ना इन्वेस्टर्स गलत हैं, कोई भी, मतलब ये चीजें आप लोगों के आगे जो हम पढ़ रहे हैं ना, रेगुलेटरी फंक्शन वो एसोसिएटेड है विद रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हम सब पढ़ेंगे, देखो लिखा भी है कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए क्या रूल्स है, इंटरमीडियरीज के लिए रूल्स है, म्यूचुअल फंड के लिए, वो हम बाद में करेंगे. अभी के लिए जस्ट हम प्रोटेक्शन की बात करें.